नमो अर्हन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयिरीयाणं नमो वज्जायाणं नमो लोये सवसाहुणं पंच परमेष्ठी भगवंतों की आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी मुनराज की या हम सभी अपने जीवन में सुख और गुणों की अभिवृद्धि के लिए नीति के विषयों का श्रवण कर रहे हैं। नीतिकार सिखाते हैं कि चाहे व्यक्ति को जोड़ें या वस्तु को, देख करके जोड़ें। अगर आप अपने जीवन में किसी को स्थान दे रहे हैं तो बिना परीक्षा करे स्थान ना दें। अगर आपने बिना परीक्षा करे स्थान दे दिया है तो आपका स्थान अशुद्ध हो जाएगा, आपका मन दुखी हो जाएगा। वर्तमान के परिप्रेक्ष्य की बात करें तो चाहे स्टूडेंट सब्जेक्ट ले या व्यापारी व्यापार का चयन करे अथवा कोई विवाह करे, जीवन की कोई भी स्थिति का जो भी क्रिया कर रहे हो, यहाँ तक कि सब्जी भी लेने क्यों ना जाए, सोच समझ के परीक्षा करके ही अपनी शक्ति अपनी क्षमता से ही करें। ज़्यादा जल्दबाजी कई बार गलत निर्णय को लेने के लिए मजबूर कर देती है। आज की नीति कह रही है कि जिंदगी में आपके बहुत सारे लोगों का आना जाना लगा रहता है, व्यापार की दृष्टि से, मित्रों की दृष्टि से, संबंधियों की दृष्टि से, यूं सामान्य से आवागमन की दृष्टि से बहुत सारे लोगों का आना जाना लगा रहता है। लेकिन उनका आना जाना जब भी हो, बिना सोचे विचारे आना जाना ना। एक एयरपोर्ट है, एक प्लेटफॉर्म है, रेलवे स्टेशन है, बस स्टैंड है। आप एयरपोर्ट को देखो, जब कोई फ्लाइट जाती है और एक फ्लाइट आती है, थोड़ा सा डिफरेंस रखते हैं। क्यों रखते हैं? एक की लैंडिंग हुई है, तुरंत वहां से सिग्नल नहीं देते, अभी आप रुकिए, जब तक इसका टेक ऑफ नहीं हो जाएगा, जब तक प्लेटफॉर्म खाली नहीं होगा, हवाई पट्टी खाली नहीं होगी, तब तक आने नहीं देते। अगर आवागमन मैनेजमेंट नहीं कर पाए इसका, आने और जाने का, एक्सीडेंट्स पक्के हैं। तो जब एक सामान्य फ्लाइट कुछ दिन के लिए उड़ रही है, एक जगह से दूसरी जगह जा रही है, और उसका आवागमन मैनेजमेंट से, तो आपकी लाइफ में जो लोग आ रहे हैं जा रहे हैं उनका क्या मैनेजमेंट है? वो बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट मैनेजमेंट है। और इस मैनेजमेंट पर अगर आपने ध्यान नहीं दिया, खुशहाल जिंदगी, सुखनुमा जिंदगी दुख भरी हो जाएगी। लोग कुंडली मिला के शादी करते, कुंडली मिला के मत करो, स्वभाव मिला के करो। कुंडली मिला करके अगर शादी करते और कुंडली मिला करके दीक्षा देते तो आचार्य भी दो चार को ही दीक्षा दे पाते, वो तो स्वभाव का एडजस्टमेंट करके दीक्षा देते हैं, शादी करते हैं। आज की नीति कह रही है कि आपकी जिंदगी में सहायक कम, विराधक ज्यादा है। आपकी जिंदगी में सहायक लोग कम है, विराधक लोग ज्यादा हैं। मेरा तो ये मानना है कि किसी ने खूब कही है कि जीवन में रिश्तेदार कम, नारद मुनि ज्यादा है। जीवन में रिश्तेदार कम है और नारद मुनि ज्यादा है। उनको सामान्य गांव की भाषा में कहते लगाई भुजाई, मतलब पहले वो आग लगाएंगे फिर बाल्टी का पानी लेके बुझाने जाएंगे ताकि लगे लोगों को कि मैंने बुझाई है। तो ऐसे लोगों का आपकी जिंदगी में आना जाना बना रहता है, उस परिस्थिति में क्या करना है, आज की नीति उसलिए है। आज की नीति में ये कह रहे हैं कि जिंदगी में किसी का भी आना जाना करें लेकिन बिना सोच समझकर ना करें। जब तक परीक्षा ना हो जाए आना जाना ना करें। पहले गाँव में घर बनते थे, गाँव में घर बनते थे तो बाहर एक अलग बैठने का चबूतरा था, उसके अंदर एक अलग झोपड़ी थी, फिर एक अलग अंदर और व्यवस्था थी, फिर कहीं जाकर के बेडरूम और किचन आता था। पहले गाँव के लोग बाहर के बाहर विदा कर देते, आप सीधा बेडरूम तक ले आते हो, बस यही समझना है। अपने घर में हर किसी को आने जाने की अनुमति ना दें। और अगर आने जाने की अनुमति है
एक रूम तक ही सीमित रखें, घर के अंदर तक नहीं। ऐसे ही जो लोग आपकी ज़िंदगी में आ रहे हैं उनको आने जाने का मौका तो दें, लेकिन दिमाग तक आने जाने का मौका दें, दिल तक उनको प्रवेश न करने दें। दिल तक उन्हीं लोगों को आने का मौका मिले, किसको? जो आपके सहायक हों, विरादक ना हो। कभी भी जब आपकी पीठ पीछे बात की जाएगी तो एक ही बात कही जाएगी कि चार लोग कह रहे हैं। सामान्यतः भारत में एक बात बोली जाती कि सोचो, देख के करो, चार लोग देखेंगे तो क्या बोलेंगे, ये चार लोग कौन हैं? आज तक इन चार लोगों का पता नहीं चला, ये चार लोग कौन हैं? इन चार लोगों का आज तक कोई पता नहीं चला। वो ये वही लोग चार लोग हैं जो आखिरी में उठाने आते हैं, शमशान ले जाते हैं। चार लोग कौन है पता ही नहीं। नीति को समझते हैं, जो भी आपकी लाइफ में आ रहा है और जा रहा है, सोच समझ करके स्थान दें। अगर आपने सोच समझ करके स्थान नहीं दिया है, आपको ही अपने स्थान से छूटना पड़ेगा, क्योंकि आज का दौर कुछ और है। पहले यंत्र काम करते थे, अब षड्यंत्र काम करते हैं। आज का दौर कुछ और है, पहले नीति काम करती थी, अब कूटनीति काम करती है। आज का दौर कुछ और है, पहले लोग मिलते थे, अब झांकते हैं। आज के दौर में लोग एक दूसरे से मिलते कम हैं, एक दूसरे की जिंदगी के बारे में जानने की इच्छुक ज्यादा है। आप देखो, जब चार लोग बैठ करके बात करें गार्डन में, मंदिर में, तो एक दूसरे से यही पूछते, अच्छा क्या चल रहा है, तुमको क्या बताएं क्या चल रहा है, और तुमको क्यों बताएं कि क्या चल रहा है, क्या चल रहा है भाई, क्या चल रहा है, बच्चे क्या पढ़ रहे हैं। अरे तुम अगर मिलने आए हो तो मिलो और आगे जाओ ना, तुम पूछ क्यों रहे हो? क्योंकि आज का दौर ये, लोग आपकी जिंदगी से के जानने के बारे में इच्छुक हैं, आपको उनसे, उनको आपसे कोई मतलब नहीं है। वो आपकी बात सुनेंगे, थोड़ा सा मिर्ची, थोड़ा सा मसाला, थोड़ा सा बघार, थोड़ी सा गरम मसाला, और वो आगे परोस देंगे, और वो उसको आगे परोस देंगे। देखो, देखा आपने, जीवन में ऐसी उंगली होती है, समझे क्या? ऐसी उंगली होती है कि लोग आते तो हैं, लेकिन आपसे जो लोग मिलते हैं वो आपके बारे में जानकारी लेने के लिए मिलते हैं। तुम्हारी जिंदगी में क्या चल रहा है, इसको जानने के इच्छुक हैं। तो क्यों ना अपन इस आवागमन वाली दुनिया में ऐसे लोगों से बचें जो आपकी जानकारी ले रहा हो, उससे बचें। जो पूछेगी यार कुछ काम हो तो बताओ, उससे संबंध रखें। जो सिर्फ आपसे इंफॉर्मेशन लेने आ रहा हो, कॉल सेंटर थोड़ना है हमारी जिंदगी की, तुम इंफॉर्मेशन लेने आए हो। आप लोगों की जिंदगी क्या कॉल सेंटर है? सर क्या चल रहा है? अच्छा ओके। कोई आपसे ज्यादा पूछे भाई आपकी लाइफ में क्या चल रहा है, बच्चे क्या कर रहे हैं, व्यापार कैसे चल रहा है, उसको बोलना भाई ऐसा है, ये मेरी लाइफ है, कोई कॉल सेंटर नहीं है, टोल फ्री नंबर नहीं है कि आप कुछ भी जानकारी ले सकते हो, ये मेरी लाइफ है, इसमें आपको इंटरफेयर करने का कोई हक नहीं। बच्चों से लोग पूछते हैं बेटा क्या क्या फ्यूचर में क्या करोगे, क्या पढ़ाई कर रहे हो, बाहर पढ़ने नहीं जाओगे? धीरे से कहना अंकल मेरी लाइफ है, मैं डिसाइड कर लूँगा। टोल फ्री नंबर के लिए आप एक्वा गार्ड में फ़ोन लगाएं, ये हमारी लाइफ है, इसमें आपको फ़ोन लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। आज का दौर जो है वो यही चल रहा है, लोग मिलते कम हैं। आपकी ज़िंदगी में क्या चल रहा है उसके बारे में जानकारी लेने आते हैं। और क्या चल रहा है, लोग हमसे पूछते हैं महाराज जी बताइए और क्या चल रहा है, तो हम तो एक ही बात कहते हैं स्वाध्याय चल रहा है। और अब कोई पूछे क्या चल रहा है तो कहना गर्मी चल रही है, बात खत्म। और ज़्यादा वो पूछे बोलना भी ये टोल फ्री नंबर है, इस पे कॉल कर लें, आपको सब मिल जाएगा, हमारी लाइफ में इंटरफेयर ना करें। क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि हर व्यक्ति जो आपसे पूछ रहा हो वो आपका सहायक हो, आपका प्रीति कर रखने वाला हो, आपका हितकारक हो। एक बात और समझना, जो लोग ज़्यादा इंटरफेयर करते हैं उन लोगों से बच के रहें। अब ऐसे लोगों की टेस्टिंग कैसे होगी, वो क्या आपसे जानकारी लेगा, मदद नहीं करेगा,
पूछे ना बेटा क्या चल रहा है, अंकल आपके पहचान में कोई है क्या उस यूनिवर्सिटी में? क्यों? बोले वहाँ 50% डिस्काउंट होता है, आप करवाओगे क्या? वो पीछे बैक हो जाएगा वो, नहीं बेटा तुम देख लो मेरे को पता नहीं है, तो जो जानकारी ले उसको काम दे दो, और कर दे मतलब तुम्हारा है, और नहीं करे मतलब बाय। समझे क्या? कि जो हर बार तुमसे पूछे चीजें तुम्हारे जिंदगी में क्या चल रही है, उनको धीरे से बैकआउट कर दो। मेरा ये कहना है कि अजीब सी दुनिया है, अजीब से ठिकाने, अजीब सी दुनिया है और अजीब से ठिकाने हैं, लोग यहां मिलते कम हैं, झांकते ज्यादा है। कुएं में लोग आते ना, बावड़ी में जाते झांकते हैं, लेकिन कोई कुएं के अंदर उतरता नहीं है, क्योंकि पता है कि बाहर नहीं निकल पाएंगे। ऐसी आपकी लाइफ में बहुत सारे लोग आएंगे, वो झांकेंगे, लेकिन वो आपके साथ नीचे उतर के नहीं जाएंगे, क्योंकि वो सहायक नहीं है। कुछ लोग ऐसे होते हैं वो कुएं में झांकते नहीं है, छलांग लगाते हैं, इसका मतलब वो आपके सहायक है। कुछ लोग सहायक होते हैं, कुछ लोग विराधक होते हैं। अब इनका चयन कैसे करें कि कौन हमारा है कौन तुम्हारा है? जो आपकी आपके काम के प्रति ईर्ष्या रखता हो, उसको अंदर से लगता हो कि हमको स्थान नहीं मिल रहा है, इसका मतलब वो अपना आदमी नहीं है। जिसको स्थान नहीं दिया और वो छोड़ के चला जाए, एक चीन के देश की कथा आती, बड़ी प्रसिद्ध है। वहां जो मंत्री था वो राजा का सबसे प्रिय था, लेकिन जो प्रिय होता है एक दिन वही अप्रिय भी होता है। राजा ने किसी के कहने पर मंत्री को नौकरी से निकाल दिया, मंत्री अपने घर चला गया, मंत्री अपने घर चला गया, उसने कुछ भी नहीं कहा। लोगों ने कहा क्यों भाई क्या हो गया? बोले राजा का काम पूरा हो गया है, तो राजा ने मेरी छुट्टी कर दी। ओके, 15-20 दिन, 1 महीने 2 महीने 3 साल हो गए, राजा ने कहा भैया कोई योग्य नहीं मिल रहा, तू फिर से आ जा, वापस चला गया। 2-3 साल काम किया, फिर किसी ने बोला कि राजा मंत्री ऐसा है वैसा है, राजा ने फिर निकाल दिया। उसने कहा ओके, फिर चला गया। लोगों ने फिर पूछा राजा ने तुमको निकाल दिया? बोले अब काम नहीं है तो छुट्टी दे दी है। कुछ दिन बाद राजा को समझ में आया कि मंत्री एक बार भी नाराज नहीं हुआ। जो आप जिसको स्थान ना दें फिर भी वो आपके साथ रहे, इसका मतलब वो तुम्हारा है, इसका मतलब वो तुम्हारा है। और तुमने जिसको स्थान दिया उसने ईर्ष्या कर ली, वो तुम्हारा नहीं है। ये वही है जो कहता है कि 2 लोग पसंद नहीं कर रहे, ये वही है वो जो 4 लोग बुरा सोचेंगे, ये वही है। और ऐसे ही लोग जो होते हैं जिनको आप रिश्तेदार मान लेते हो, नारद मुनि निकलते हैं। वैसे आपके साथ भी होगा, मेरे साथ भी है, कि जीवन में रिश्तेदार कम है, दोस्त यार कम है, और नारद मुनि ज्यादा है। ज्यादा क्या कर सकते, यद्यपि हो सकता है किसी को मेरी बात लग जाए। अब वो लग जाए तो लग जाए, मिर्ची तभी लगती है आज के जमाने में, जब जब कोई आपको सच बताए या आईना दिखाए, बड़ी तेज मिर्ची लगती है, बड़ी तेज मिर्ची लगती है। आज की इस नीति को अपने जीवन में उतारें, ये आपके लिए बहुत बड़ा सबक देके जाएगी। हर मिलने वाला व्यक्ति तुम्हारा नहीं है, हर अच्छे से बात करने वाला व्यक्ति तुम्हारा नहीं है। जब परिस्थितियां विपरीत हों और वो तुम्हारे लिए मशाल लेकर के, रोशनी करके सामने ढाल की तरह खड़ा हो, वो तुम्हारा है। तो लाइफ में आपके जो भी आ रहा हो और जा रहा हो उसको अपना मत मानना। ये भी तो हो सकता है कि एयरपोर्ट में आई और गई फ्लाइट एयरपोर्ट की थोड़ी ना होती है, होती क्या? वो तो जो एयरपोर्ट का मालिक है उसका जो प्राइवेट प्लेन है वही उसका है। तो आपकी लाइफ में भी बहुत सारी फ्लाइट्स लैंड होती है और बहुत सारी फ्लाइट्स टेक ऑफ होगी। हर किसी को अपना मत मानना, जो मौके पर काम आ जाए वो तुम्हारा है। और जो मैं कह रहा हूँ उसको भूलना नहीं, अजीब सी दुनिया है, अजीब से ठिकाने, अजीब सी दुनिया है, अजीब से ठिकाने हैं, लोग यहाँ मिलते कम झांकते ज़्यादा हैं। आप कहीं बाहर से कुछ लेकर के आओ, सबसे पहले लोग झांकते, क्या लाए क्या लाए क्या लाए, क्या इस थैले में क्या है,
हाँ, ये दुनिया का एक ह्यूमन टेंडेंसी है। आप कहीं बाहर घूमने जाओगे, लोग पूछे क्या लाए क्या लाए, ये सब झांकने वाले हैं। समझ गए आप लोग मैं क्या बोलना चाहता हूं? जो आपसे जानकारी ले आपकी, उससे दूर रहना। जो आपकी जान के लिए कुछ भी कर दे, उसको पास में रखना, उसको पास में रखना। जो जानकारी ले रहा है वो आगे ट्रांसफर करेगा। आप देखो अभी भारत में सर्वे होते रहते हैं, सर आप इस कंपनी के बारे में क्या कहते हैं, इस बार कौन जीतेगा, चुनावी माहौल है, भारत को पाकिस्तान से अच्छे संबंध कर लेना चाहिए, ये बहुत सारी बातें जो सर्वे होता है, ये जानकारी पूरी ऊपर दे दी जाती है और जानकारी लेने वाले को कोई मतलब नहीं होता। ऐसी आपकी लाइफ में बहुत सारे लोग होते हैं जानकारी लेने आते हैं, उसको उनको आपकी लाइफ से कोई मतलब नहीं, वो बाहर जाके मजाक उड़ाएंगे। अरे वो तो कुछ भी नहीं उसके यहाँ, कहते ही बस है मैं तो परसों मिल के आया हूँ। बड़ी स्थिति खराब है भारत की। सच कहोगे तो शक करेंगे और गलत कहोगे तो यकीन करेंगे। आप किसी के बारे में उसके सच्ची तारीफ करो तो लोग शक करेंगे, अरे हो ही नहीं सकता, इतना नहीं है उसके घर में भाई, उसने इतने रुपए की बोई ले ली, अरे नहीं दे पाए खा जाएगा, सेटलमेंट होगा। सच कह रहा है कोई तो शक करते हो, और अगर कोई बुरा कह दे तो यकीन कर ले। तो यही तो जिंदगी की सच्चाई है, यही तो जिंदगी की सच्चाई है। अब करें क्या? जो आपके सामने आपसे जानकारी लेने आए उसको गलत जानकारी दें, ताकि वो दोबारा जानकारी लेने, कोई पूछे क्या चल रहा है, अरे भैया बहुत गरीबी चल रही है भैया, खाने को नहीं है भैया, ये घड़ी उधार की है, फोन अरे चोरी का है, उसको गलत जानकारी दो तो तुम्हारी जान नहीं खाएगा। क्योंकि कहते हैं कि गलत तस्वीर दिखाई तो दोस्त बन गए और आईना दिखाया तो दुश्मन बन गए। आपने किसी को गलत तस्वीर दिखाई, व्हाट्सएप में ही डालते आप लोग स्टेटस में 20 खींचते हो, जो सबसे अच्छी होती वो डालते हो, जो सच्ची होती वो नहीं डालते हो। तो गलत तस्वीर दिखाई तो दोस्त बन गए, जब आईना दिखाया तो दुश्मन बन गए, क्योंकि आईना तो सच कहता है। लोग आपके जीवन में जानकारी लेने आए, गलत जानकारी दें। क्या चल रहा है, सगाई हो गई हो, अरे वो सब ऐसे ही चल रहा है अंकल, व्यापार अच्छा चल रहा हो, क्या बताएं लॉस लग गया है, अच्छा ही जानकारी ना दें। क्यों? और जो शत्रु हो खासकर उसको अपने बारे में बुरा ही बताएं, वो बोले क्या चल रहा है, अरे यार बहुत दुख है, बहुत तकलीफ है, और हाथ जहाँ हाथ डालो वहीं नुकसान लगता है, उसको सेटिस्फेक्शन मिलेगा, हाँ ये दुखी है, कम से कम वो दुख देने तो नहीं आएगा, ये नीति है। उसको ये मत बताओ कि मैं बहुत खुश हूँ, उसको बोलो कि मैं बहुत दुखी हूँ, तुम नहीं हो, तुम चले गए, हमारे जीवन में बहुत कष्ट है, लेकिन ये मुखौटे वाला है, अंदर में हम मस्त हैं। इस नीति को आज उतार लोगे आपके जीवन में खुशी बढ़ेगी और गलत लोगों से जुड़ने से बचोगे। एक गलत व्यक्ति आपके जीवन को